हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सैनिक स्कूल पुरुलिया यानी कि वेस्ट बंगाल से वैकेंसी लेकर के आ गई हूँ। दोस्तों, इससे आगे भी मैं बहुत सारा वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज का अपडेट ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जा कर के चेक कीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। और बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से DAB, DPS, KVS, APS एंड अदर्स रेपूटेड प्राइवेट स्कूल्स की वैकेंसी की अपडेट भी मैं चैनल पे दे चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे जा कर के चेक कीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, इस वैकेंसी का अपडेट चेक कर लेते हैं। ये वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल से दोस्तों। फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं ये वेबसाइट www.sainikschoolpurulia.com। यहाँ पे वैकेंसी है TGT साइंस में, एडॉक बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। और TGT सोशल साइंस का भी वैकेंसी है, एडॉक बेसिस पे ही रिक्रूट किया जाएगा दोस्तों। और TGT साइंस के लिए आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएट विथ सब्जेक्ट्स बोटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। एंड आप लोगों का BEd होना मैंडेटरी है फ्रॉम आर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स हो तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बोटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये कम्बिनेशन होनी चाहिए आप लोगों का दोस्तों, ठीक है। और TGT सोशल साइंस में होने के लिए आप लोगों का क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन विथ 2 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड BEd फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और BEd होनी चाहिए विथ सोशल साइंस हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये होनी चाहिए दोस्तों आप लोगों का। और 21 to 35 years एज ऑन 1 April 2022 आप लोगों का एज होनी चाहिए 1 April तक, 21 से 35 तक, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिज़ायरेबल है क्या, टीचिंग एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, प्रोफिशिएंसी टू कंजर्व फ्लुएंटली इन इंग्लिश, आप लोगों का इंग्लिश में फ्लुएंसी होना ज़रूरी है। और सीटेट और टेट क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे CSB कार्ड के बारे में कुछ बताया नहीं गया है दोस्तों, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस ना होने से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इंग्लिश पे फ्लुएंसी होना एंड सीटेट क्लियर होना यहाँ पे डिज़ायरेबल बोला गया है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं बोला गया है दोस्तों, ठीक है। आप लोग सीटेट नहीं भी है तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे सैलरी दी जाएगी 15,500 रुपीज़ पर मंथ। एंड आप लोगों को सुबह 10 बजे 13 March 2022 को वॉक इन इंटरव्यू पे जाना पड़ेगा सैनिक स्कूल पुरुलिया में। आप लोगों को क्या क्या ले जाना पड़ेगा यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, एप्लीकेशन, बायोडाटा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट्स, ये सब लेकर के जाना होगा। इंटरव्यू के लिए कोई भी TAD नहीं दिया जाएगा दोस्तों। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू कैंसिल द वैकेंसी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी रीजन। तो आप लोगों को 13 March 2022 को सुबह 10 बजे पहुंच जाना है दोस्तों, सैनिक स्कूल पुरुलिया में इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल पुरुलिया से। तो और एक भी है दोस्तों वैकेंसी, सैनिक शिक्षा निकेतन से पुरुलिया से ही ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों सैनिक स्कूल। तो यहाँ पे हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूट किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है, एक अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी है। आप लोगों का एज मैक्सिमम 45 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 March 2022। और एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मास्टर डिग्री विद BEd, एटलीस्ट 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए इंक्लूडिंग 1 ईयर इन एडमिनिस्ट्रेशन। और डिजायरेबल देखिए यहाँ पे दिया गया है, मस्ट पोजेस हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंप्यूटर स्किल्स, अ थॉरो नॉलेज ऑफ करेंट एजुकेशनल ट्रेंड्स इन प्राइमरी एजुकेशन इंक्लूडिंग वैल्यू एजुकेशन इज मस्ट। तो ये सब डिज़ायरेबल है दोस्तों, आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देखिए और अप्लाई कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। कंसोलिडेटेड सैलरी दी जाएगी 16,500 रुपीज़ पर मंथ। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को www.sainikschoolpurulia.com से, ठीक है। और इसको फिल करना पड़ेगा, उसके साथ आप लोगों को प्रिंसिपल के पास सैनिक स्कूल पुरुलिया में
ये सब जमा करना होगा, बायोडाटा उसके साथ, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बायोडाटा, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वन अनस्टैम्प्ड सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप एंड अ बैंक डीडी और बैंकर्स चेक ऑफ ₹400 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स एंड ₹200 फॉर एससी एसटी कैंडिडेट ड्रॉन इन फेवर ऑफ चेयरमैन सैनिक शिक्षा निकेतन पेएबल एट पुरुलिया. लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशंस इन द स्कूल इज 8th April 2022. तो लास्ट डेट है आप लोगों का 8th April 2022. तो 8th April के आगे ही आप लोगों को रिसीप्ट जमा करना होगा दोस्तों. स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्टल डिले. तो आप लोगों को पोस्ट करना है दोस्तों. यहाँ पे बोला गया है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और कोई भी डीएडी नहीं दिया जाएगा दोस्तों. आप लोग नज़दीक रहते हो तो आप लोग जमा कर सकते हो स्कूल पे जा कर के. द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द वैकेंसी एंड सॉरी और चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न. तो दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हो. आप लोगों का मास्टर डिग्री एंड बीएड हो ही चुका होगा और आप लोगों का एटलीस्ट 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो एंड 1 ईयर का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों. ठीक है, अच्छी वैकेंसी है, आप लोग ज़रूर फिल कीजिए दोस्तों. इसके आगे वैकेंसी था दोस्तों टीजीटी सोशल साइंस एंड टीजीटी साइंस पे दोस्तों. ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कीजिए. अप्लाई मतलब यहाँ पे इंटरव्यू पे जाना होगा आप लोगों को 13 मार्च 2022 को सुबह 10 बजे. ठीक है, आप लोग ये सब डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कीजिए www.sainingschoolpurulia.com पे. ठीक है, वहाँ पे डाउनलोड करके फिर उसको फिल करके बायोडाटा एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट्स के साथ आप लोग चाहिए. ठीक है, इंटरव्यू अच्छे से दीजिए. ऑल द बेस्ट एंड ऐसे ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज के अपडेट पाने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों. धन्यवाद.